Hello, my dear students. I'm Dr. Vaishali Bharambe. As you know, I've been teaching for more than 25 years and I love it. Now, I know all of you are having exams. In the next few months, you're all going to give your anatomy university exams. So today, I'm going to tell you how to study for your anatomy university exam theory. Okay? How do you prepare? See, what happens is that itna sara portion hai, so much to be done. Okay? फिर कैसे हम अटेम्प्ट करेंगे, कैसे इसे डील करेंगे, कैसे मिलेंगे मार्क्स, कैसे पास होंगे. हर बच्चे का चैलेंज अपना अपना होता है, ठीक है. सो लेट्स लुक एट तुम्हारे पास पढ़ाई करने के लिए कितना वक्त है, ठीक है. टेक अ लुक. प्री यूनिवर्सिटी या प्रीलिम समझो आपकी मिड जून में है. ओके, सो मिडल ऑफ जून. आज सपोज मे है, बिगिनिंग ऑफ मे है, तो मिड जून में आपकी यूनिवर्सिटी प्री यूनिवर्सिटी होगी. उसके बाद मिड जुलाई में आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम होगी. दैट मींस आपके पास वक्त कितना है, आपके पास डेढ़ महीना है प्री यूनिवर्सिटी एग्जाम देने के लिए. एंड प्री यूनिवर्सिटी एंड यूनिवर्सिटी के बाद बीच में आपके पास मैक्सिमम 15 दिन है. सी, ये एग्जैक्ट डेट्स नहीं है लेकिन अप्रॉक्सीमेटली इसी के आसपास आपके एग्जाम्स हैं. तो अभी हाउ टू हैंडल दिस, 45 डेज में कैसे एनाटॉमी कंप्लीट करेंगे. बट इसके बियॉन्ड एक अलग सच्चाई है जिसके बारे में आप सोचते ही नहीं. 45 डेज में आपको सिर्फ एनाटॉमी नहीं करनी है, आपको एनाट, फिजियो, बायोकेमिस्ट्री सब करना है. तो आपके ये डेज डिवाइड हो जाते हैं. एनाट में आपको एक्चुअली 25 दिन में एनाट करना है, 13 दिन में फिजियोलॉजी करना है एंड 7 डेज में बायोकेमिस्ट्री करना है, तब जाके आपके 45 डेज होते हैं. सडनली चैलेंज और बड़ा हो गया ना. या इट इज अ बिग चैलेंज. अब ये 25 दिन को ना, मेरा एडवाइस रहेगा कि आप इसको डिवाइड कर दो. 20 दिन में एनाटॉमी करो, लास्ट 5 दिन में उस एनाटॉमी का रिविजन करो. ओके, क्योंकि हमें एग्जाम देना है. लास्ट 5 दिन रखो जब आपको देखना है कि आपने कितना पढ़ा है, उसको एसिमिलेट करना है. ओके, सो 20 दिन में कैसे पढ़ेंगे एनाटॉमी, है ना, बिग क्वेश्चन. सब बच्चों को यही लगता है. इतनी बात याद रखो कि दिस इज नॉट योर प्रॉब्लम ओनली, दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ एवरी स्टूडेंट. हर स्टूडेंट जो एनाटॉमी के एग्जाम देना चाहता है उसके पास आज 20 दिन है जिसमें उसे एनाट करना है. ओके, आपका प्रॉब्लम ज्यादा बड़ा नहीं है, हर बच्चे का यही प्रॉब्लम. तो कैसे पढ़ेंगे, अभी ये आप इसको देखिए और इसका स्क्रीनशॉट निकालिए. ये टेबल है जिसमें आप कैसे 20 दिन में एनाट कवर कर सकते हो, ये लिखा हुआ है. तो जैसे आप सुपीरियर एक्सट्रीमिटी डेढ़ दिन में करोगे, रिमेम्बर 1.5 डे में आपको उसका ऑस्टियोलॉजी भी करना है, एक्सरे भी करना है, सर्फेस एनाट भी करना है. ओके, सिमिलरली इन्फीरियर लोअर लिम डेढ़ दिन में ख़त्म, थोरैक्स 1 दिन में ख़त्म, एनाटॉमी 4 दिन, एब्डोमेन करोगे, उसके बाद हेड फेस नेक 4 दिन और आधा दिन सेपरेटली ऑस्टियोलॉजी हेड फेस नेक की. याद रखो, हेड फेस नेक की ऑस्टियोलॉजी नहीं आई तो आपको हेड फेस नेक नहीं आता है, तो सेपरेट आधा दिन आपको हेड फेस नेक की ऑस्टियोलॉजी के लिए देना है. मैंने ब्रेन को 2 दिन दिए हैं क्योंकि मेरे हिसाब से लगते हैं, लेकिन अगर आपके कॉलेज में ब्रेन बहुत कम सिखाया जाता है या कम करते हैं, ऐसा ट्रेंड है, तो ये 1 दिन भी और आप कहीं पे यूज़ कर सकते हो. सिमिलरली हिस्टोलॉजी एम्ब्रियोलॉजी, 1 एक्स्ट्रा का दिन मैंने रखा है, मिसेलेनियस 1. ऐसे दिन होते हैं जिन दिनों में हम ज़्यादा पढ़ते नहीं हैं, किसी एक दिन पढ़ाई होती ही नहीं है, तो फिर वो मेकअप करने के लिए मैंने यहाँ पे 1 दिन रखा हुआ, उसे आप तब पढ़िए. ओके, प्रॉब्लम मैम और भी है. हाँ, है ना प्रॉब्लम. क्या है प्रॉब्लम आपका, कि कॉलेज में अभी तक पोर्शन कंप्लीट हुआ ही नहीं है, हेड नेक ब्रेन चल रहा है, कुछ कॉलेजेस में एब्डोमेन थोरैक्स चल रहा है, तो फिर रिवाइज भी करना है, फिर नए टॉपिक भी सीखने हैं, कैसे होगा ये सब. तो मेरा सजेशन है आपको कि आपके दिन को डिवाइड कीजिए. आप शाम के 4 बजे तक घर पहुंच जाते हो हॉस्टल, एक
40-45 मिनट्स ना आप रिलैक्स करो, थोड़ा दोस्त से बातें करो, शायद अभी बहुत ही कम वक्त हो तो जर्नल वर्क करो, लेकिन ब्रेन को ना शांत करो। उसके बाद 5 to 8 PM, 5 से 8 बजे तक आप आज जो दिन में कॕालेज में हुआ है वो पढ़ाई कीजिए। 3 लेक्चर्स होते हैं जनरली, सो एनाट में क्या सिखाया, फिजियो में क्या सिखाया, बायोकेमिस्ट्री में क्या सिखाया, उसे आप यहाँ पढ़ो 3 घंटा। फिर आप थोड़ा खाना खाओ, 8 से 8:30 तसल्ली से खाना खाओ। उसके बाद जो आप 8:30 को शुरू हो जाओगे रिविजन के लिए, तो वो आप रात को 12:30-1 बजे तक रिविजन करने वाले। आपको लगेगा फिर मैम मैं सो कब, हाँ ना सोओगे ना आप, सोओगे 1 बजे से सुबह 7 बजे तक, 6 घंटे की नींद मिलेगी आपको, अच्छी बात है। 7 बजे उठो, गेट ब्रश योर टीथ, हैव अ बाथ, बैक टू कॉलेज। ये दिन ऐसे ही होते हैं, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, सारे मेडिकल स्टूडेंट्स इसमें से गुजरते हैं। इनफैक्ट कुछ बच्चे ये 6 घंटे की भी नींद 4-5 घंटे पे रिड्यूस कर देते हैं। एक्चुअली टू टेल यू द ट्रूथ, एक अलग ही मज़ा होता है, क्योंकि हमें मालूम है कि ये ख़त्म होने वाला है। MBBS का फर्स्ट MBBS के एग्जाम के बाद हम मज़ा करने वाले हैं, तो ये थोड़े दिन तो हमें मुश्किल निकालने हैं, इट्स ओके। एक मेरी अच्छी स्टूडेंट है, अभी न्यूयॉर्क में है, उसका एक एडवाइस था, मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। In the last few months of first MBBS, it is very important to complete study of everything taught that day on the same day. जो मैं आपको वही अभी कह रही थी, जो उस दिन सिखाया उसको उसी दिन कंप्लीट करो, उसको अगले दिन पे मत डालो। कभी भी दूसरा दिन नहीं आता है जब हमें वक्त होगा पढ़ने के लिए, जो आज सिखाया वो मैं आज ही कंप्लीट करूँगी रूल। उसने और एक एडवाइस दिया है, एक कुछ अलग है, मैंने भी खुद में ये नहीं किया। शी सेज दैट इन द मॉर्निंग बिफोर लीविंग फॉर ब्रेकफास्ट क्विकली रन थ्रू एनी वन टॉपिक यू रिवाइज यस्टरडे, कल जो भी टॉपिक किया ना उसको जल्दी से एक बार रिवाइज करके फिर ब्रेकफास्ट के लिए जाओ। ये आई वाज टेलिंग हर तुम वर्क कैसे निकाल पाती हो, तो शी सेड कि ये मेरा डिफॉल्ट रूल ही था कि मुझे ये ब्रेकफास्ट के पहले का एक रिविजन करना ही करना है। एंड उसका कहना था कि इससे उसका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ा, क्योंकि वो जल्दी जल्दी में रिवाइज हो जाता था, लेकिन कॉलेज जाते समय उसको लगता था कि हाँ मेरा एक टॉपिक ऑलरेडी रिवाइज हो चुका है और मुझे याद भी है। इट इज़ एडवाइस कमिंग फ्रॉम न्यूयॉर्क, नाउ शी इज़ इन न्यूयॉर्क, शी इज़ डूइंग हर फेलोशिप देयर। फिर मैम फिजियोलॉजी बायोकेमिस्ट्री फिर कैसे करेंगे, ये भी तो करना है, अगर इतना टाइम एनेट करेंगे तो फिजियो बायोकेमिस्ट्री कब करेंगे। ओके, टेक अ लुक, अपना जो वीक होता है ना उसे डिवाइड करो, एक वीक में 4 दिन एनाट करो, 2 दिन फिजियो करो, 1 दिन बायोकेमिस्ट्री करो, तो 45 डेज भी इस तरह से डिवाइड हो जाएंगे, 25, 13 and 7। सो आपको हर हफ्ते 4 दिन एनाट का रिविजन करना है, 3 दिन फिजियो, 2 दिन फिजियोलॉजी का और 1 दिन बायोकेमिस्ट्री का। कभी कभी ऐसा होगा कि कोई रिविजन हमारा उतना अच्छा हुआ नहीं, लाइक यू फील कि मैं बायोकेमिस्ट्री में बहुत वीक हूँ, तो जो सैटरडे संडे आता है ना उस दिन आपके पास ज़्यादा वक्त होता है, यू हैव मोर टाइम टू स्टडी ऑन सैटरडे संडेज, तो फिर वो दिन उस सब्जेक्ट को एलोकेट करने का, सो देट आपको ज़्यादा वक्त मिलता है कंप्लीट करने के लिए। ये अपना अपना डिसीजन होता है, एक हफ्ते आप एनाट को दे दो, एक हफ्ते आप बायोकेमिस्ट्री को दे दो, इट इज़ योर कॉल, आप डिसाइड करो, ठीक है। तो आपका प्लान रेडी हो गया। मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ, जब भी मुझे मेडिकल कॉलेज के टाइम में टेंशन आता था तो मैं टाइम टेबल बनाती थी। एक बार मेरा टाइम टेबल सेट हो गया ना तो मुझे मालूम था आधी मेरी लड़ाई हो चुकी है ख़त्म, क्योंकि मैं तो टाइम टेबल फॉलो करने वाली हूँ। ओके, सो सबसे बड़ी लड़ाई होती है क्रिएटिंग अ प्लान, फिर उस प्लान पे चलना ही तो बाकी है। ओके, सो स्टार्ट स्टडिंग ना, आपका प्लान हो चुका है, पढ़ाई शुरू करो। एक टाइम, एक कैलेंडर लो, उस पे आप मार्क करो, इस दिन मैं ये करूँगी, उस दिन मैं वो करूँगी, अच्छा लगता है, इट्स एंजॉयबल, राइट। एक और आपको एडवाइस देना चाहती हूँ कि आपने जो प्लान किया है वो सारा पढ़ाई कभी भी कंप्लीट नहीं होता है, कुछ एक हाथ दो टॉपिक रह ही जाते हैं। तो ये आजकल एक मस्त पोस्टिट आता है ना, आई एम श्योर ऑल ऑफ यू नो व्हाट पोस्टिट्स आर, पोस्टिट लेने का और उसके ऊपर लिखो
कि फॉर एग्जाम्पल सी मैंने नी जॉइंट आर्चेस ऑफ फुट किया लेकिन मेरा इन्वर्जन इवर्जन रह गया, तो अगली बार जब आप बुक पकड़ोगे तो आप याद से इन्वर्जन इवर्जन पहले करोगे सो दैट कोई भी टॉपिक आपका अनटच्ड नहीं जाएगा. सेम कि मैंने लिवर पैनक्रियास किया लेकिन मेरा पेरिटोनियम रह गया, तो ये पोस्टेट्स आपको याद दिलाते हैं कि ये बुक में आपका क्या क्या पढ़ना बाकी है. हाँ, यूज दिस, आई यूज इट ऑल माई लाइफ. ये मेरे टाइम में पोस्टेट नहीं थे तो हम कागज चिपकाते थे लेकिन फिर भी करते जरूर थे, मेथड यही था. तो अभी हमने पढ़ा, अभी जस्ट 5 दिन बाकी है प्री यूनिवर्सिटी को, ठीक है. तब आप क्या करोगे, अब आप सारी बुक सामने रखो, फिर से शुरू करो, लेकिन इस बार फास्ट पढ़ाई करो, रीड फास्ट. हर बार आपको सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको ये देखना है कि आपको याद है कि नहीं. इट्स मोर लाइक अ टेस्ट फॉर योरसेल्फ. फिर जो चीज़ें याद नहीं है उसको आप ढंग से फिर से पढ़िए, या थोड़ा बहुत रह गया हो तो उसे पढ़िए, लेकिन पूरा का पूरा फिर से रिवाइज मत करो, होगा नहीं. जो 20 दिन में हुआ वो 5 दिन में कैसे होगा. ओके, एंड मेरा एक पर्सनल एडवाइस है, शायद आप जानते हो कि मुझे इमेजेस से बहुत लगाव है, लेकिन ऐसे दिन आते हैं जब हमसे कुछ हो ही नहीं पाता है, हम थक जाते हैं, इंसान है थकते हैं. That time, just take a pen and paper and draw. Just keep drawing. कि हाँ ये topic है, ये spinal cord है, spinal cord का posterior sulcus, anterior fissure, draw करो. You will not believe it, but अपने brain में ये knowledge जाता है और हम सीखते हैं. हर बार पढ़ाई करने से ही सीखते हैं ऐसा तो नहीं होता है ना. So draw, it will help you to learn and recall. Exam में हमें लिखना भी तो है, draw करना भी तो है, तो it will help you there. तो आप रिवाइज कर रहे हो एंड रिवाइज कर रहे हो. मेरे जैसी एक अच्छी टीचर का एडवाइस है कि रिवीजन करते समय हमेशा ही ड्राइंग्स की प्रैक्टिस साथ में चलनी चाहिए. ओके, सो ड्रॉ आल्सो व्हाइल स्टडिंग, इवन व्हेन यू आर स्टडिंग यू शुड बी ड्राइंग पैरेलल. सो आज आपका अभी प्री यूनिवर्सिटी एग्जाम है, ये सारा मटीरियल आपके बैग में अर्लियर इवनिंग को रखो. इट्स अ कमिटमेंट कि मैं ये सारी चीज़ें लेके जाऊंगी. अब आपके पास HNE पेंसिल नहीं है, इसीलिए अगर आप हिस्टोलॉजी का डायग्राम पेंसिल से निकालोगे तो आपके तो मार्क्स जाएंगे ही ना, फिर कैसे करोगे आप उसको. सो ये सारी चीज़ें अपने साथ रखो अर्लियर शाम को एंड देन स्टार्ट योर एग्जाम. स्ट्रैटेजी फॉर योर एग्जाम, डिवाइड योर टाइम. एग्जाम में भी आपको टाइम डिवीजन का प्लान सही रखना है. कैसे करने का टाइम डिवीजन? सी, आपको मालूम है एग्जाम इज फॉर 3 आवर्स. आपको मालूम है कि आपको 20 MCQ आते हैं एग्जाम में. सो 20 MCQ के 20 मिनट खत्म. बचे जो भी है उसमें आपको LAQ करना है, SAQ करना है, 2 मार्कर्स करने. बहुत बार ऐसा होता है कि क्योंकि आपने पेपर का टाइमिंग पहले से नहीं सोच के रखा है, आपका LAQ ही लिखते लिखते 1.5 घंटा खत्म हो जाता है. अरे मार्क्स तो 10 ही मिलने वाले हैं ना, 1.5 घंटा लिखो या 1/2 घंटा लिखो. सो व्हाट इज द पॉइंट इन राइटिंग एंडलेसली. तो LAQ यूजुअली 2 रहते हैं. हर LAQ को 15 से 16 मिनट के ऊपर टाइम मत दो. नहीं खत्म हुआ तो छोड़ो और SAQ पे जाओ. SAQ जनरली 10 होते हैं, तो हर SAQ को 8 मिनट दो. 8 मिनट से ज़्यादा मत दो. जस्ट कंप्लीट योर SAQ इन 8 मिनट्स. प्लान इट इन सच अ वे कि आपका 8 मिनट में SAQ हो जाना चाहिए. फिर आपके पास 2 मार्कर या 1 मार्कर बचते हैं, तो 2 मार्कर जनरली 5 होते हैं, तो उसको आप 3 मिनट में एक एक करके 15 मिनट में आपके 2 मार्कर खत्म होने चाहिए. 1 मार्कर का भी यही है, अगर वो 10 है तो भी आपके 15 मिनट में 1 मार्कर खत्म होने चाहिए. 1 मार्कर पे बैठ के ड्राइंग निकाल रहे हो ये सब नहीं. 1 मार्कर इज राइट इन वेरी ब्रीफ, यू शुड फॉलो दैट, राइट इन वेरी ब्रीफ. नहीं तो 1 and 2 मार्कर में 1/2 घंटा गवा दिया और बाकी का पेपर छोड़ दिया, ये सही नहीं है. सो प्लान योर टाइम वेल. इसके बाद आपके पास अंदाजे 15 मिनट फिर भी बचने वाले एग्जाम के एंड में. ओके, तो इस 15 मिनट में आप पेपर सबमिट करके बाहर मत निकलो. इस टाइम में आप अंडरलाइन करो जो पॉइंट्स जो आपको लगते हैं कि आपने बहुत अच्छा लिखा है, उसको अंडरलाइन करो. टीचर को दिखना चाहिए,
ड्राइंग्स करो, यहाँ वहाँ इधर उधर जहाँ आपको मिलेगा। सी ड्राइंग किया ना तो एग्जामिनर को आधा मार्क तो कंपल्सरीली देना ही पड़ता है। तो आप इधर उधर सब जगह पे ड्राइंग करो, बहुत अच्छा होगा। ड्राइंग तो अच्छी बात है, लेकिन फिर भी खराब भी हुआ तो भी आप ड्राइंग जरूर करना। पेपर सबमिट नहीं करने का, अनलेस द टाइम इज अप यू विल नॉट सबमिट योर पेपर। फाइट फॉर एवरी लास्ट मार्क। मैं आपको एक्सपीरियंस से बताती हूँ, ये जो 15 मिनट जब आपने पेपर सबमिट नहीं किया उससे आपके 5 से 6 मार्क्स डेफिनेटली बढ़ते हैं। बट वो आपको विश्वास रखे वहाँ बैठे रहना है, जाने दो दूसरे बच्चों, आप मत जाओ, आप बैठो और आप कुछ ना कुछ इधर उधर सब ऐड करो। गॉड नोज व्हाट विल गिव यू मार्क्स, बट 5 से 6 मार्क्स का डिफरेंस जरूर आता है। अभी प्री यूनिवर्सिटी खत्म, स्टार्ट स्टडिंग फॉर यूनिवर्सिटी एग्जाम। ओके, सो इतनी सारी लड़ाई लड़के मैम 15 ही दिन बचे कैसे करेंगे? अरे अभी आप इतनी प्री यूनिवर्सिटी दे सकते हो तो यूनिवर्सिटी देने में क्या है, 15 दिन कम लगते हैं तो इन्हें फिर आप डिवाइड करो। 7 दिन आप एनएट करोगे, 4 दिन फिजियो करोगे और 2 दिन में बायोकेमिस्ट्री कंप्लीट करोगे। तो आप कहते हो कि 2 दिन बचते हैं, हाँ पेपर 1 जो होता है ना उसके पहले के 2 दिन आपको बचा के रखते हैं, जब आप बैठ के पूरे पेपर 1 की फिर से एक बार तैयारी करोगे। ओके, डिवाइड इट एंड ट्रेन योर माइंड टू यूज दोज डेज टू रिवाइज। होता है, जस्ट याद रखो जो आपके कॉलेज आपको बुलाता है कि आओ हमने आपके प्रीलिम के पेपर या प्री यूनिवर्सिटी के पेपर चेक किए हैं, आके देखो, दैट टाइम यू मस्ट गो। आप जाओ देखो, समझो कौन से क्वेश्चन को मुझे मार्क्स मिले, कौन से क्वेश्चन को नहीं मिले, क्यों नहीं मिले, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है स्टडी का। तब जाके आपको पता चलता है कि थियोरी में क्या चेंजेस करने हैं आपको फाइनल यूनिवर्सिटी में। सो ये मार्क्स जरूर देखो, वेयर डिड यू स्कोर, वेयर डिड यू लूज मार्क्स, व्हाट स्ट्रेटजी वर्क्ड, ट्विक द स्ट्रेटजी। जहां आपको लगता है कि ड्रॉइंग्स को मार्क्स ज्यादा मिले, बनाओ फिर एक्स्ट्रा ड्रॉइंग्स यूनिवर्सिटी एग्जाम में। ठीक है, ये पेपर प्री यूनिवर्सिटी का एनालाइज करना बहुत जरूरी है। ओके, सो ये सब करने के बाद आप थियरी पेपर के लिए फाइनली तैयार हो। ओके, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, डू देम वेल, गो थ्रू दिस वीडियो, बिलीव मी, 25 बरस से ज़्यादा एनाटॉमी सिखाने के बाद ये एडवाइस मैं आपको दे रही हूँ। आज इतने सारे बच्चों को मैंने इसी लाइन पे एडवाइस किया एंड आगे जाके दे डिड वेल इन लाइफ। ओके, दिस इज हार्ट फेल्ट एडवाइस फ्रॉम मी। Do please follow and make your study period a comfortable study period. इसके बाद मैं और एक लेक्चर रिलीज करने वाली हूँ, How to score good marks in anatomy theory exam. पढ़ते तो सभी बच्चे हैं, कुछ बच्चों को ज़्यादा अच्छे मार्क्स क्यों आते हैं, कभी कभी कम का पढ़ के भी कुछ बच्चों को ज़्यादा अच्छे मार्क्स आते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। This will be released in a few days. Do watch this as well. Okay? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, आपके फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।